विधायक मलिंगा व एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारियों का किया स्वागत। बाड़ी शहर में शनिवार की शाम को बाड़ी क्षेत्र के सभी ताजिए बसेड़ी रोड स्थित करबला में मातमी धुनों के साथ सुपुर्दे खाक किए गए। इस कार्यक्रम के बाद पुरानी चली आ रही परंपरा के अनुसार एक स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें ताजिया कमेटी के सदर मास्टर रशीद खान ने बताया कि मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ताजियादारी में सहयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों जनप्रतिनिधियों का स्वागत सम्मान ताजिया कमेटी द्वारा किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार स्वागत सम्मान में सबसे पहले बाड़ी विधायक राय सिंह मलिंगा का छापा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया और फिर इसके बाद एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत, बाड़ी एसडीएम गिरधर मीणा, तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, बाड़ी डिप्टी एसपी सुरेश डावरिया, बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी, बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश देवी, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, ट्रैफिक इंचार्ज किलेदार मीणा सहित अन्य का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर बाड़ी विधायक राय सिंह मलिंगा ने बाड़ी बस्ती को आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल बताया। साथ ही एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह राजावत, डिप्टी एसपी सुरेश डावरिया, बाड़ी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह चौधरी ने एक ही समुदाय के 2 पक्षों में कुछ दिन से हो रहे आपसी विवाद को ध्यान में रखकर चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों को कड़ी चेतावनी देते हैं कि किसी भी तरह से शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। आपराधिक तत्वों पर हमारी पैनी नजर है, ऐसे लोग समय रहते सुधर जाएं। कमेटी ने बुलाया, हर साल बुलाते हैं, सभी लोग आते हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधियों को बुलाते हैं, सभी समाज के लोगों को बुलाते हैं। साधु समाज का मोहर्रम कमेटी सम्मान और स्वागत करती है, किसके कार्य धन्यवाद और सभी भाईचारे से, चाहे कोई त्यौहार हो, चाहे हिंदू भाइयों का त्यौहार हो या मुसलमान भाइयों का कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। सभी मिलजुल कर एक दूसरे का स्वागत करते हैं, सभी भाई बंदी से त्यौहारों को मनाते हैं, सभी एक रहते हैं। ये जानकारी बहुत कम मिली है कि यहाँ कोई सांप्रदायिक जो है सद्भाव बिगाड़ने वाली चीजें मौजूद हो। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज आपस में मिलकर के यहाँ हर त्यौहार को मनाते हैं, ये बड़ी ही अच्छी बात है और बड़ी अच्छी पहल है। लेकिन साथ ही जो एक कमी नजर आई, वो एक कमी जैसा कि थानाधिकारी ने अभी आप लोगों को बताया भी था और मुझे भी पता चला कल से ही कि आपस में ही आप लोगों के बीच में अंदर गुटबाजी है और वो किसी चीज को लेकर के है। अगर वो ऐसी चीज है जिसपे कि कुछ पुलिस की सहायता से या किसी और चीज से उसको हल किया जा सकता है तो हम बैठ करके उस समस्या का निस्तारण कर सकते हैं, अन्यथा उन सभी ऐसे लोगों को जो कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई भी प्रयत्न करेंगे उनको सीधी सीधी पुलिस की तरफ से चेतावनी है, वो इसे समझ माने या चेतावनी माने कि अगर कोई इस तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा तो उसे पूरा सख्ती के साथ निपटा जाएगा और किसी भी हालात में इस पूरे बाड़ी कस्बे और बाड़ी सेक्टर की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मेरा सम्मान सत्कार किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साहब हमारे बाड़ी में चाहे हिंदू त्यौहार हो चाहे मुस्लिम त्यौहार हो बड़े भाईचारे प्रेम से मिलकर मनाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है, एक दूसरे के त्यौहारों में जाके शरीक होते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है कि आप लोगों में पता नहीं छोटी छोटी सी बातों को लेकर ऐसा धूल बना देते हैं, कुछ अफवाहें तैयार कर देते हैं जिससे हमें और प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसके साथ साथ में समाज के लोगों को भी सामना करना पड़ता है और आपस में ऐसी दुश्मनी के साथ माहौल बनाकर तैयार करता है, अफवाहों के साथ आप इधर ये हो गया, आप उधर हो गया, ये हो गया, जबकि उसमें कुछ भी नहीं निकलता और उसका काम अफवाहों का ऐसा बन जाता है कि उससे आने वाले टाइम में आदमी लड़ाई नहीं हो तब भी लड़ाई हो जाए या ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे कि आपस में दूसरी एक दूसरे को दुश्मन बना देंगे। ये आपके भविष्य के लिए बड़ी खतरे की घंटी है इस तरह के माहौल की अफवाह तैयार करना।